साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद साथियों, गवना फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में हमारे दो अभ्यर्थी हैं जिनका हाल ही में फिजिकल IGC ग्राउंड सागर में हुआ है, जिनका कल फिजिकल हुआ था और एक जन का आज हुआ है। तो आइए हम इनसे जानते हैं इनके पूरे स्कोर के बारे में और गरुणा का जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हम इनसे जानते हैं। हमारे बीच में विजेंद्र हैं और गौरव हैं जिनका हाल ही में फिजिकल हुआ है। तो हम इनसे जानते हैं इन दोनों जन के स्कोर के बारे में और एकेडमी का एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे। गौरव, धन्यवाद सर, जो कि मैं आपकी वजह से इतना अच्छा फिजिकल में प्रदर्शन कर पाया। मैं घर पर जब तैयारी कर रहा था उस समय मेरा 60-62 नंबर का फिजिकल बन रहा था, लेकिन जब से मैंने गरुणा फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की तो मेरी रनिंग में काफ़ी सुधार हुआ, जो जिस कारण से मेरी रनिंग ग्राउंड में 2:22 आ रही थी और मैंने उधर IGC में जाके 2:23 की टाइमिंग दी और जिसके बाद हमें मेरे 29 नंबर की रनिंग आई और मेरा लॉन्ग जंप की प्रोसेस थी जो 14-14.5 के आसपास में कूदता था, लेकिन सर ने बताए हुए गाइडेंस को मैंने फॉलो किया तो उसके आधार पर मेरी लॉन्ग जंप 15.5 के आसपास रही, जो कि बहुत अच्छी रही मेरे को लगा। और फिर मेरा फिजिकल में स्कोर 69 के समथिंग रहा। अच्छा, आपका स्कोर 69 रहा? जी सर। बहुत अच्छा है, क्योंकि जो देखा जा रहा है IGC हो या और भी ग्राउंडों में एवरेज 60-65 तक ही लड़कों का, बॉयज़ का एवरेज आ रहा है, तो आपके 69 नंबर हैं, बहुत अच्छा है। तो आप, अब हम थोड़ा सा अपने विजेंद्र से थोड़ा सा उनके रिव्यू के बारे में जानते हैं कि उनका स्कोर कार्ड कैसा रहा IGC में। धन्यवाद सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने हम लोगों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। आपकी ट्रेनिंग की वजह से ही हमारा अच्छा फिजिकल आया है। वेरी गुड। वहां पर IGC में हमने 70 का फिजिकल मारा है। अच्छा। और यहाँ पर जो टाइमिंग यहाँ पर आती थी लगभग वो टाइमिंग वहाँ पर भी वही आई है। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइमिंग 2:30 मारी थी, जो वहाँ पर मेरी 2:32 आई है। गुड। और लॉन्ग जंप भी मेरी वही आई है जो यहाँ पर आती थी। लॉन्ग जंप मेरी यहाँ आती थी 15+, तो वहाँ भी मेरी 15+ आई है। और यहाँ पर गोला है ना, जो गोला था मेरा 25+ आता था, तो वहाँ पर मैंने 26+ फेंका है। वेरी गुड। मतलब जो आपने यहाँ पे जो सीखा है, हाँ, आपने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर दिया। हाँ सर, जो मेरा फिजिकल यहाँ आता था उससे अच्छा ही आया। अच्छा अच्छा फिजिकल किया यहाँ पर। जब हम अकेले में करते थे तो हाँ 60+ आता था फिजिकल, फिर सर के द्वारा बताया गया मार्गदर्शन पर चले हम लोग, फिर सर ने अच्छे से ट्रेनिंग दी जिससे हम लोगों का अच्छा फिजिकल आया। और आपके 70 नंबर स्कोर हुए हैं। हाँ सर, बहुत अच्छे नंबर हैं आपको, बहुत अच्छे नंबर हैं आपके, ठीक है। और आप थोड़ा सा, आप दोनों जन से मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा से अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ, गरुणा के एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ कि जो 4-6 महीने आपने जो हमारे साथ बेसिक ट्रेनिंग की टाइप की है, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप आने वाले जो नए बच्चे हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बच्चों को? सबसे पहली बात तो यह है कि जो नए बच्चे हैं जो TA वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, वो सर के साथ जुड़ें। सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। जब लोग हम लोग अकेले में करते थे तो उतनी अच्छी से नहीं कर पाते थे, और सर के साथ जुड़ के हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और हमें यही अनुरोध करूँगा कि जो नए बच्चे हैं आर्मी अग्निवीर या TA की भर्ती में जाना चाहते हैं, वो सर के साथ जुड़ें और सर से ट्रेनिंग लें, उनका 100% सिलेक्शन होगा गारंटी के साथ। बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा हम जानते हैं अपने गौरव से एकेडमी का एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा। जैसे कि सर ऑलरेडी गरुणा एकेडमी में जो है ये ऑलरेडी आर्मी से रिटायर्ड हैं और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हम लोगों के साथ शेयर किया, जिस कारण से हम लोगों का फिजिकल इतना अच्छा आ पाया। और मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे फिजिकल की तैयारी करते हैं तो वो विशेषकर गरुणा एकेडमी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सागर में अच्छी एकेडमी कोई है तो वो है गरुणा फिजिकल एकेडमी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अभी आप दोनों का फिजिकल जो स्कोर रहा बहुत अच्छा रहा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और पूरी एकेडमी की तरफ से आपके सफलता के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और होपफुली आप अपने वर्दी के सपने को पूरा करें। ऐसा हमारी पूरी फिजिकल एकेडमी, हमारी गरुणा फिजिकल एकेडमी, पूरी गरुणा फिजिकल परिवार की तरफ से आपको अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो साथियों, जिस प्रकार इन हमारे स्टूडेंट ने बताया कि इन्होंने अपनी जो फिजिकल की तैयारी हमारे से की, तो आप भी हमारे साथ अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। हम 100% गारंटी के साथ आपके फिजिकल को क्वालिफाई कराने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
साथियों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन एसएससी जीडी रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है, जैसे एसएससी जीडी मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। और ये अपने सारे कॉम्बो पैक्स में है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे कॉम्बो पैक्स में हैं। और साथियों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इन पूरी बुक्स में कवर किए हो, ये बेस्ट बात है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने पुराने क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं। साथियों चक्षु प्रकाशन की जो पब्लिकेशन है इसमें बेस्ट बात यह है कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज कवर किया है जो स्टूडेंट्स को एक बेहतर तैयारी करने का मौका देगा। तो मैं सभी उन स्टूडेंट्स से बोलना चाहूँगा कि जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो चक्षु प्रकाशन की ये सारी बुक्स को लें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएँ।